नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल टिप्स एंड सोल्यूशन में। दोस्तों आज हमारे पास एक और प्रिंटर आया है HP लेजरजेट 1020 का। तो आप इसके कंडीशन को देख के जान सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगा। तो असल में इसका प्रॉब्लम ये है कि ये पेपर पिकअप नहीं कर पा रहा है। तो एक बार देख लेते हैं इसका प्रॉब्लम, उसके बाद हम इसे ठीक करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, और मैंने कंप्यूटर से प्रिंट दे दिया है और इसमें पेपर पिकअप प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं इसको। ये पेपर मैंने डाला है पहले से, देखिए इसमें जो है यही प्रॉब्लम है, ये पेपर पिकअप नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट चालू हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम पीछे का जो पावर बटन है उसको हम बंद करेंगे और केबल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद ये वाली हम कवर उठाएंगे और कॉटरेज को निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं ये कहाँ रहा होगा प्रिंटर यार, पूरा टूट टूट गया इसका बॉडी पूरा। तो चलिए कॉटरेज निकाल लेते हैं। बहुत जाम है भाई प्रिंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोलर है, ये पिकअप रोलर है और इसको हम निकाल के साफ करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है इसी का प्रॉब्लम है। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खांचा बना हुआ है और यहाँ पे भी, तो दोनों को आपस में बाहर की तरफ ढकेलना है। ढकेलने के बाद ये निकल जाएगा। तो चलिए खोलते इसको, एक उंगली यहाँ फंसाए, दूसरा अंगूठा यहाँ पे और ये निकल गया। तो देखिए इसी का प्रॉब्लम है। और इसको जो है हम पानी से धोएंगे, धोने के बाद इसको हम फिर लगा देंगे। तो ठीक है, मैं इसको पानी से धो के आ जाता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मैं इसको पानी से धो के आ गया हूँ, इसको मैं कपड़े से थोड़ा साफ कर ले रहा हूँ। साफ हो गया। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको फिर से लगा देंगे। ये लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लग गया है। तो चलिए हम कॉटरेज लगा लेते हैं फिर से। ये हमारा कॉटरेज लग गया। अब ये कवर को भी हम बंद कर देंगे। अब इसका जो पावर केबल है उसको हम लगा देते हैं और चालू करके देखते हैं। अब देखते हैं खींचता है पेपर क्यों खींचता। तो फिर हमें एक बार कुछ प्रिंट का कमांड देना पड़ेगा। तो चलिए प्रिंट दे लेते हैं पहले। मैं यहाँ से प्रिंट दे देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पेपर है वो खींच गया। और मेरे ख्याल से यार बहुत दिनों के बाद ये प्रिंट हो रहा है तो इस तरह से दिख रहा है। देखिए कंडीशन पूरी प्रिंटर का बहुत बुरा स्थिति है भाई। इसका जो टेफ्लॉन वगैरह पूरा सब खराब हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट रहा है। दोस्तों ऐसे ही प्रिंटर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे प्रिंटर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के, और उसके बाद जो अपने प्रिंटर को ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो प्रिंटर है वो पेपर पिकअप नहीं कर रहा था और ये पेपर पिकअप स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह जो है आप अपने प्रिंटर को ठीक कर सकते हैं। इसमें बस वही प्रॉब्लम था रोलर का, जो रोलर है वो कचड़े वचड़ा रहा होगा, उसकी वजह से ये पेपर पिकअप नहीं कर पा रहा था। उस ऐसा अगर कंडीशन आता है तो आप जो है रोलर को निकालिए, पेपर पिकअप जो रोलर होता है जो मैंने निकाला था उसको, और उसको पानी से अच्छे तरीके से धो के फिर लगा दीजिए, बिल्कुल आपके जो प्रिंटर है वो काम करने लग जाएगा। तो इस तरह से जो है आप आसानी से अपने प्रिंटर को ओके कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से कंप्यूटर और प्रिंटर से संबंधित वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और जानकारी के साथ, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।